अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, टुडे इज माय लेक्चर फॉर नर्सरी क्लास फॉर मैथ सब्जेक्ट। दिस इज योर मैथ्स बुक, वर्कबुक बी। टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट नंबर सिक्स, काउंट डीज। सबसे पहले हम इनको काउंट करेंगे। हियर आर सम डीज, काउंट विद मी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bees are here. Again, count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have to here, right here, 10. Okay. This is a group of butterflies and chicks. इसको भी count कर लेते हैं। इसमें कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. So here we write 11. Okay. Next is monkeys. अब ये monkeys हैं, इनको count करते हैं। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 monkeys. 10. इनको हमने काउंट किया है और क्या किया है? राइट किया है इसका नंबर। ओके, हियर आर सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इनको हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 5 राइट करने के बाद आपने देखा है यहाँ एक साइन है। किस चीज का साइन है ये? प्लस। प्लस एडिशन का ये साइन है। प्लस यानी कि हमने इसको, इसके नंबर को प्लस करना है। अब यहाँ पे हमने इन फ्लावर्स को काउंट करके राइट कर दिया। कितने फ्लावर्स हैं ये? 5. अब हमने ये दूसरी लाइन में काउंट करने हैं। कितने फ्लावर्स हैं ये? 1, 2, 3, 4. सो वी राइट हियर 4. अब हमने ये वाले फ्लावर्स भी काउंट करके यहाँ राइट कर दिए हैं और ये वाले फ्लावर्स भी काउंट कर दिए हैं। अब हमने इनको क्या करना है? प्लस। इन दोनों को हमने प्लस करके यहाँ पे राइट कर देना है कि क्या नंबर है। अब हम कैसे करेंगे इसको? अगेन आप यहाँ से ये देखें, ये कितने फ्लावर्स थे? 5 फ्लावर्स थे ना, 5। अब आपने इससे आगे काउंटिंग पढ़नी है, जैसे 5, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमने देखते हैं कि ये टोटल फ्लावर्स कितने हैं। इन दोनों को प्लस करके ये वाले फ्लावर्स कितने हैं? 5 के आगे आप काउंट करेंगे 5, 6, 7, 8, 9। कितने फ्लावर्स हैं ये? 9। एक बार यहां से अगेन काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो 9 इज अवर आंसर। टोटल फ्लावर्स कितने हैं ये? 9। ये 5 थे और ये 4। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, ऐड कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया? 9। सो ये सारे फ्लावर्स कितने हैं? 9 फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक योर मैथ्स वर्कबुक एंड ओपन पेज नंबर 23। यहाँ पे है राइट दीज नंबर्स। यहाँ से 11 से 20 तक नंबर्स दिए हुए हैं। ट्रेसिंग है, आपने इसके ऊपर राइट करना है इसको।
नेक्स्ट इस पेज पे आ जाइए, देखें काउंट दीज, राइट द नंबर्स, हमने इन चीजों को काउंट करना है, जैसे कि अभी हमने काउंट करके राइट किया है, उसके बाद इधर नंबर राइट करना है. ओके मेरे साथ साथ काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 इज अवर आंसर. 15 हमने यहाँ पे राइट कर लिया. ओके इससे नेक्स्ट ये देखें, इसको अब हमने काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. नेक्स्ट इस पे आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 हमने राइट कर दिया इधर. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ओके ये लास्ट वाला आपने खुद राइट करना है काउंट करके. ओके यहाँ पर ये देखें 21 से 30 तक काउंटिंग है, नंबर्स हैं, इसको आपने इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है और यहाँ पे आपने राइट भी करना है. पेज नंबर 25 पे काउंट द पेंसिल्स एंड राइट द नंबर्स. अब ये यहाँ पे पेंसिल्स दी हुई हैं, इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नेक्स्ट इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. नेक्स्ट ये देखें, इसको भी इसी तरह ही आपने काउंट करना है कि पेंसिल्स को काउंट करके यहाँ इसके नंबर्स राइट करने हैं. अब हम इसको कर लेते हैं ये वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, 28. इसी तरह आपने ये सारी पेंसिल्स को काउंट करना है और यहाँ इसका नंबर राइट करना है. ओके नेक्स्ट पेज नंबर इज 26. यहाँ देखें ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को हमने यहाँ पे ये देखें इन्होंने काउंट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 यहाँ पे ये देखें नंबर राइट हुआ हुआ है. फिर नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5. ये देखें 5 नंबर राइट हुआ है. अब इन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे ये हैं ब्लॉक्स कितने हैं, 10. 10 ब्लॉक्स है ना, 10 के आगे आपने पढ़ना, इसको स्टार्ट करना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो इनको टोटल जब हम करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है, अब
15 आंसर आ जाता है. नेक्स्ट भी हमने इसको करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे 10 आ गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ब्लॉक्स हैं, हमने 6 राइट कर दिया. अब यहाँ पे कितने हैं ये वाला फर्स्ट वाली लाइन में ब्लॉक्स? 10. 10 ब्लॉक्स है ना. 10 के आगे हमने नंबर अब इसको काउंट करना है. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. सो अवर आंसर इज 16. इन दोनों को प्लस कर लिया और 16 आंसर आ गया. इसको और इसको जब हमने प्लस किया 16 आंसर आ गया. टोटल हमारे ये जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर कितने हैं? 16. ओके, नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फर्स्ट ब्लॉक में क्या आ जाएगा? 10. नेक्स्ट लाइन को हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 और 7 को जब हम ऐड कर लेंगे, यहां से 10 के आगे आप काउंट करें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. टोटल 17 ब्लॉक्स हैं. 17 इज अवर आंसर. नेक्स्ट ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फर्स्ट लाइन में कितने ब्लॉक्स हैं? 10. अब नेक्स्ट लाइन में ब्लॉक्स को काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 को हमने यहाँ पे राइट कर दिया. अब ये वाले और ये 10 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. टोटल कितने ब्लॉक्स हैं ये? 18. पेज नंबर 27 पर काउंट एंड राइट द नंबर्स. यहाँ पर भी सेम आपने इसकी तरह ही करना है. यहाँ पर ये देखें ये डिफरेंट ये दी हुई हैं, इसको हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फर्स्ट ब्लॉक में 10 आ गया. अब नेक्स्ट लाइन वाले जब हम काउंट करेंगे वो नेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा. और थर्ड लाइन में जितनी दी हुई हैं इसको हम काउंट करेंगे तो नेक्स्ट थर्ड में आ जाएगा. अब हमने टोटल इसको करना है कि ये टोटल कितने हैं, इसको अब हम काउंट कर लेते हैं. फर्स्ट लाइन में आपके कितने हैं ये? 10. 10 के आगे आप काउंट करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So 23 is our answer. इसी तरह अब हमने नेक्स्ट में करना है कि फर्स्ट लाइन में जितने हैं वो फर्स्ट बॉक्स में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा? 10. अब नेक्स्ट वाली लाइन में काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट लाइन में भी 10 है. उससे आगे नेक्स्ट लाइन में कितनी है? नेक्स्ट वाले बॉक्स में हमने राइट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगेन इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ हमने थर्ड बॉक्स में थर्ड लाइन वाले नंबर राइट करना है. अब क्या हो गया? 10 + 10 + 6. यहाँ से अब फर्स्ट लाइन में कितने हैं? 10. 10 के आगे हम काउंट कर लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. यहाँ पे हमने क्या राइट कर लेना है? 26. इससे नेक्स्ट में ये वाला आपने खुद इसको करना है. लास्ट वन कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा नंबर? नंबर 10. ये देखें अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में सेम है.
तो इट्स मीन कि ये वाले ऑरेंजेस भी और ऊपर वाले ये सेम होंगे. ऊपर वाले इसमें देखें सेम है, नीचे वाले उसमें भी सेम है. इट्स मीन नेक्स्ट वाले में भी 10 ही होंगे. हम एक दफा चेक भी कर लेते हैं क्या हमारा आंसर राइट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये देखा आपने कि हमने ये जो हमने किया था कि ये सेम है तो ये 10 ही होंगे और ये वाकई ही 10 है. 10 फर्स्ट बॉक्स में भी 10 आ गया, नेक्स्ट बॉक्स में भी 10 आ गया और जो थर्ड वन है अब हमने थर्ड लाइन में काउंट करना है. कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. थर्ड वाली लाइन में कौन सा नंबर आ जाएगा? 9. अब हमने देखना है 10 + 10 + 9 ये कितने होते हैं टोटल करके. फर्स्ट लाइन में 10 है, 10 के आगे हम काउंट करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ये देखें 26 पेज पे और 27 दोनों पेज पे हमने एडिशन की है, काउंट किया है और राइट किया है हमने नंबर. पेज नंबर 28 पे रीड दीज नंबर्स. ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. यहाँ पर कितने नंबर्स दिए हुए हैं? 30 नंबर्स. कितने नंबर दिए हुए हैं? 30 नंबर्स. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? कवर वन नंबर विद अ पीस ऑफ पेपर. कैन यू से विच नंबर इज कवर्ड? ओके, फर्स्ट लाइन में हम इसको कवर कर देते हैं यहाँ पर. 1, 2, 3. कैन यू से कि यहाँ पर कौन सा नंबर है जिसको कवर किया हुआ है? अगेन एक बार काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 4. चेक कर लेते हैं क्या इसके नीचे 4 है. यस, यू आर राइट. इसके नीचे क्या है? 4. ये कितनी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है. आप इसको करें घर में अपनी मामा के पास बैठ कर, बाबा के पास, या अपने बहन भाइयों के साथ भी आप इसको कर सकते हैं. ओके, आप इसमें से कोई भी नंबर चूज कर लें. ठीक है, और यहाँ पे आपने एक फिश ड्रॉ करनी है और उसके अंदर वो नंबर राइट करना है और अपनी पसंद से उस फिश में अपने फेवरेट कलर भी करना है. ओके, ये है आपका यूनिट नंबर 6 डन हो गया. आपने इसको कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक के ऊपर, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपने. अब आपका ये यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है. आपने इसकी वर्कबुक के ऊपर इसको सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और आपका विंटर पैक अवेलेबल है. आएं और स्कूल से उसको पिक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. टेक केयर.